नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है और मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ उपलब्ध हुआ हूं। तो वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है और लास्ट तक देखने के बाद आपको बताना है कैसा लगा वीडियो, हमें कमेंट करिएगा। मैं दोस्तों आपको जो है तो तरह तरह के वीडियोस लेके आता रहता हूँ, तो आज फिर से एक नए बिजनेस आइडिया के साथ उपलब्ध हुआ हूँ। तो जैसे कि समझ लीजिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं सोचा क्यों ना आपको जो है तो इस बिजनेस के बारे में बता दिया जाए। दोस्तों ये हर जगह चलता है, हर घर में उपयोग होता है, इसलिए मैं आपको सोचा क्यों ना बता दिया जाए। और चैनल में भी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है तो हमारी वीडियो का आपके पास जो है तो उपलब्ध हो जाए। दोस्तों मैं आपको नए बिजनेस आइडियाज लेके आता हूँ। देखिए हमारा मेन मकसद यह है, आपको नए बिजनेस आइडिया लेके आता हूँ और आपको बताता हूँ कि ऐसे करने से भी आप जो है तो बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा खासा महीने का अर्न करते हैं। आज जो मैं बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ उससे आप घर बैठे जो है तो आसानी से जो है तो पैसा अर्न कर सकते हैं और इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं है और इसमें जो है तो हर जगह इसकी मांग बहुत ज्यादा डिमांड है, इसलिए मैं सोचा क्यों ना आपको जो है इस बिजनेस आइडिया को बता दिया जाए। दोस्तों वीडियो में पूरा आप बने रहेंगे तभी आपको समझ आए किस प्रकार से आपको काम करना है और काम करके जैसे जो है तो आसानी से जो है तो पैसा अर्न कर सकते हैं। इसमें ज्यादा लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप गाँव स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो अच्छी बात है, इसमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली एक मशीन से जो है तो आप जो है तो आसानी से पैसा अर्न कर सकते हैं और भी कोई लाइट बिल नहीं, कोई खर्चा इसमें नहीं। तो मैं आज आपको पूरे इस बिजनेस की पूरी डिटेल्स बताऊँ किस तरह से आपको काम करना है और काम करके जो है अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हैं। जब आप वीडियो में बने रहेंगे तभी आपको पता चलेगा किस प्रकार से आपको काम करना है। दोस्तों और अभी तक इंस्टाग्राम में हमारे नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके हमारे इंस्टाग्राम फॉलो करके आप उसमें ले जाइए। दोस्तों आज जो मैं बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ, जैसे कि आप छोटे से गरीब बहुत गरीब वर्ग या मतलब कोई भी व्यक्ति इसको स्टार्ट करके जो है तो बिजनेस से और अच्छा खासा इससे अर्न कर सकता है। इसमें ज़्यादा लागत नहीं है, 10 से 12 13 मतलब 15,000 के अंदर जो है तो बिजनेस स्टार्ट कर देंगे घर पे हैं, और अकेले रह के भी बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। आपको जो है तो इसकी आज हमें पूरी डिटेल्स जो है तो बताऊँगी, पूरी जानकारी बताऊँगा आपको, तो आपको वीडियो में जो है तो बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करके मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा बिजनेस है, किस प्रकार से आपको काम करना है। दोस्तों आज जो मैं बिजनेस आइडिया आपको बताने वाला हूँ उसको जो है तो आपको पूरा देखेंगे तब समझ आए। स्क्रबर, आपको पता ही होगा हर घर में जो है तो बर्तन धोने का काम होता है, किसी भी व्यक्ति का कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो ये बर्तन जो है हर जगह धोया जाता है। तो स्क्रबर का जो है तो आप बिजनेस करके अच्छा खासा जो है तो पैसा अर्न कर सकते हैं। और इस एक ट्रिक में ऐसा आपको बताऊंगा कि आपको जो है तो एकदम ये समझ लेना है कि इसमें काम कैसे करना है, मैं आपको पूरा लास्ट तक पूरा क्लियर करके बताऊंगा। और मशीन भी ये भी मैं बताऊंगी मशीन जो है तो कहाँ से ले सकते हैं और किस प्रकार से आप ये मशीन ले सकते हैं। दोस्तों देखिए ये स्क्रबर आपको पता ही होगा कि ये छोटे छोटे जो है तो स्टील के जो है तो आते हैं तो स्टील के जो आते हैं छोटे छोटे छिलके रहते हैं उससे जो है तो बर्तन धोया जाता है, जो कि मैं आपको पूरा जो है तो अपने स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा और इस मशीन को आपको चला के भी दिखाऊंगा किस तरह से ये मशीन चलती है और किस प्रकार से काम करते हैं इसमें है। जैसे समझ ले इसका बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए आप, छोटे से घर पर ये मशीन लगा के जो है तो आसानी से पैसा अर्न कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास छोटी सी जगह है, समझ लीजिए फ्रिज जितने में फ्रिज आती उतनी जगह है, तो यहाँ से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब इसको स्टार्ट कर दिए तो आपको इसको छोटे छोटे जो है तो इसके पैकेट आते हैं और पैकेट आपको इस मशीन में पैक हो जाएंगे। तो आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वीडियो के लिए भी दिखाऊँगा इसमें। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, तो पहले सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा क्लिप दिखा देता हूँ, फिर आगे हम बात करेंगे किस प्रकार से आपको काम करना है और कैसे इसको पैक करना है, कैसे इसको मार्केट में सेल करना है, आपको सब में डिटेल्स में पहले आपको क्लिप देखना है।
सबसे पहले आप जो क्लिप देख पा रहे हैं उस सबसे पहले आपको क्या करना है कि छोटे छोटे इसके जो है तो पन्नी के वो आते हैं हैं, उसको जो है तो बॉक्स जो है तो इसमें फिट कर दिया जाएगा। और इस वीडियो गेयर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ और ऐसे भी बता रहा हूँ। इसके बाद इसको क्या है कि अपने हाथों से जो है तो पंच किया जाता है, जैसे ही पंच करेंगे तो निकाल के देखेंगे तो ये रेडी हो जाएगा। और इसको बेचने का है, अगर आपको जो है तो होलसेलिंग करना, देखिए आपको मार्केट में जाके खाली जो है तो अपना खुद का जो है तो ये ब्रांड बना के और मार्केट में जो है तो आपको इसको जो है तो देना है सबको, सबको जो है तो एक एक पीस समझ लीजिए, एक में 12 आता है तो आपको एक जो है तो 12 का पैकेट बना के दे देना मार्केट में। और ध्यान दीजिए कि अपना खुद का जो है तो ब्रांड बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और जैसे आप समझ लीजिए मार्केट में आप गए, मार्केट में आप 10 दुकान भी पकड़ लिए, ठीक है, तो 10 दुकान पकड़ लिए तो अगर आप सामान लीजिए कि 10 दुकानों में आपका ऑर्डर चलने लगा तो एक मशीन आप लगाए हैं। पहले दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आपको जो है तो मार्केट में ऐसा जो है देखना है कि कौन से जो है जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि मान लो होटल वगैरह जहाँ रहते हैं आसपास में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत रहती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको 10 दुकानों में जो है तो पकड़ लेना, फिर उन 10 दुकानें अगर आपको अच्छा खासा काम चलने लगा तो आप उससे बड़ा भी कर सकते हैं। इसके लिए छोटी सी मशीन जो मैं स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये मशीन मंगा लेना है। और ये मशीन मिलेगी, मैं वीडियो में पूरा बताऊंगा आपको कहाँ से मिलेगी। इसमें काम करने के लिए आपको ज़्यादा आदमी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले इसको जो है तो काम कर सकते हैं, वो भी पार्ट टाइम जॉब करके भी इसमें से जो है आप पैसा कर। रॉ मटेरियल भी आप जो है तो रॉ मटेरियल आसानी से इसका मिल जाता है, जहाँ से आपको मशीन मिलेगी वहाँ से रॉ मटेरियल भी मिल जाता है दोस्तों। तो मैं आपको क्लिप के जरिए एक बार फिर से आपको क्लिप दिखा देता हूँ। बहुत ये मशीन जो है ना, समझिए हर प्रकार की कई तरह की मशीनें आती हैं, तो आप उनका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको छोटी सी मशीन पहले लगाना है, थोड़ा पैसा कम इन्वेस्ट करके, और अच्छा अगर आपको अच्छा खासा चलने लगा तब आप जो है दूसरी मशीन तीसरी मशीन आप लगा के जो है अपना खुद का फैक्ट्री बना सकते हैं। इसमें कोई झंझट वाला काम नहीं है, आप आसानी से बिजनेस स्टार्ट करके घर पे अपने और अच्छा खासा जो है तो पैसा अर्न कर सकते हैं। आपको क्लिप के जरिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, फिर आपसे हम बात करते हैं। जैसे कि आप क्लिप ये देख लिए हैं, एक समझिए कि इसमें काम करने का मैं आपको सीधा बता दूँ, अगर इसमें काम करेंगे हर जगह इसकी डिमांड है दोस्तों। आज मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, तो उस ट्रिक है होलसेलिंग का। समझ लीजिए अगर आपको होलसेलिंग इसका करेंगे, मशीन आपके पास अगर बढ़िया होलसेलिंग को मार्केट पकड़ लिए तो आसानी से जो है तो आप जो है तो पैसा न कर। तो इसके लिए आपको एक कार्ड बना लेना, उसमें अपना व्हाट्सअप नंबर मोबाइल नंबर आपको फिट कर देना, सबको एक एक कार्ड दे देना है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, आपको ये मशीन मिलेगा यहाँ से, आपको सबसे पहले इंडिया मार्ट जो मैं बगल में स्क्रीन पे आप दिखा रहा हूँ, इंडिया मार्ट में आप जाएंगे वहाँ सर्च करेंगे हैं स्क्रबर मशीन, जैसे मेकिंग मशीन जैसे सर्च करेंगे तो आपको आसानी जो है तो बहुत सारे यहाँ पे जो है तो लिस्ट आ जाएगी, तो वहाँ से भी आप परचेस करके ले सकते हैं। उसका रॉ मटेरियल स्टील का जो आता है वो भी यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करिएगा, ये हर जगह इसकी डिमांड है, इसलिए मैं सोचता क्यों ना आपको बता दिया जाए। स्क्रबर जो है मशीन जो है बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है, तो हमें कमेंट करिएगा दोस्तों किस राज्य से देखी जा रही वीडियो, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।